हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच रुक करते हैं एक अहम खबर का। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार हुए शर्जील इमाम को पटना से दिल्ली लाया जा रहा है। अभी शर्जील को पटना एयरपोर्ट लाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर। इस वक्त शर्जील इमाम है ट्रांजिट रिमांड पर। शर्जील को दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। कल बिहार के जहानाबाद से शर्जील की गिरफ्तारी हुई थी और आज उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है। भड़काऊ भाषण देने का आरोपी है शर्जील इमाम, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी और आखिरकार बिहार के जहानाबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई। पटना से इस वक्त उसको दिल्ली लाए जाने की तैयारी चल रही है। अभी शर्जील को पटना एयरपोर्ट लाया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर इस वक्त शर्जील है और उसको दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। कल बिहार के जहानाबाद से शर्जील को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शर्जील को पटना एयरपोर्ट लाया गया है और यहां से उसे अब दिल्ली लाया जाएगा। इस वक्त ट्रांजिट रिमांड ली हुई है पुलिस ने उसकी और उससे दिल्ली उसे लाया जा रहा है। बिहार के जहानाबाद से कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी। शाहीन बाग को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था शर्जील इमाम ने, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। और बिहार के जहानाबाद में मिला शर्जील, जिसको गिरफ्तार किया गया और अब उसको पटना एयरपोर्ट लाया गया है, जहां से उसे दिल्ली लाया जाएगा। तो शर्जील को दिल्ली लाने की इस वक्त तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है, जिसके बाद यहां फ्लाइट से उसको नई दिल्ली लाया जाएगा। भड़काऊ भाषण देने का आरोपी है शर्जील इमाम और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है बिहार के जहानाबाद से, और अब उसको दिल्ली लाए जाने की तैयारी चल रही है। पुलिस इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है शर्जील को लेकर और थोड़ी ही देर में फ्लाइट से उसको दिल्ली लाया जाएगा। पुलिस के पास इस वक्त शर्जील की ट्रांजिट रिमांड है और उसी पर वो उसे लेकर दिल्ली आ रही है। कल ही शर्जील की गिरफ्तारी हुई है बिहार के जहानाबाद से। और किस तरह का माहौल इस वक्त एयरपोर्ट पर है, काफी गहमा गहमी है वहां। मीडिया के कैमरे उधर पहुंचे हुए हैं, जबरदस्त सुरक्षा का इंतजाम है और पुलिस शर्जील को लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में फ्लाइट के माध्यम से शर्जील को दिल्ली लाया जाएगा। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शर्जील इमाम, जिसने की भड़काऊ भाषण दिया था, भारत को तोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद उस पर मामला दर्ज किया गया और उसकी तलाश की जा रही थी। और बिहार के जहानाबाद से कल ही उसको अरेस्ट किया गया है और आज उसे दिल्ली लाए जाने की तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त पुलिस शर्जील को लेकर पहुंच चुकी है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच शर्जील इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर है, जहां थोड़ी ही देर में फ्लाइट से उसे दिल्ली लाया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम की गिरफ्तारी आखिर किस तरह से हुई, कैसे पुलिस को बिहार के जहानाबाद की सूचना मिली कि वो वहां पर छिपा हुआ है और पुलिस ने उसे धर दबोचा। दिल्ली में भड़काऊ भाषण, बिहार में गिरफ्तारी। जामिया में भड़काऊ भाषण देने वाले जेएनयू के छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया। बिहार पुलिस ने शर्जील को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। मंगलवार को जहानाबाद से गिरफ्तारी के बाद शर्जील इमाम को पटना के गर्दनी बाग महिला थाने में रात भर रखा गया। दिल्ली पुलिस को मंगलवार को दिल्ली के लिए फ्लाइट की टिकट नहीं मिली थी, लिहाजा पुलिस टीम आज उसे लेकर दिल्ली आएगी। शर्जील की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उनसे पूछा भी है कि क्या कोई दिक्कत है, उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुनाते हैं वो वीडियो जिसके बारे में दावा किया गया कि शर्जील ने लोगों को भड़काया। कब तक ये सब नहीं करेंगे, सारा पैसा रहेगा, ये चिंगारी कहाँ जाएगी, आज कैसे लगेगी। हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं। इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के लिए बिहार तक छापेमारी की। इसी वीडियो के साथ शर्जील का अलीगढ़ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि शर्जील ने असम को देश से अलग करने के लिए लोगों को उकसाया। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम के खिलाफ 3 केस दर्ज किए हैं, जिसमें देशद्रोह की धारा भी शामिल है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।